आई एम एस के मिश्रा एंड आई वेलकम यू। आपने प्यार शब्द बहुत सुना होगा और बुखार शब्द भी सुना होगा। बुखार की अंग्रेजी होती है फीवर, ये लिखी है फीवर। और प्यार की अंग्रेजी होती है लव। प्यार का बुखार तो सभी को चढ़ता है, चाहे पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, सभी को चढ़ता है। फीवर ऑफ लव, प्यार का बुखार की अंग्रेजी है फीवर ऑफ लव। अब इसके सेंटेंस कैसे बनेंगे ये जरा एक थोड़ी सी कठिन बात है। उसे प्यार का बुखार है, अब वो बीमार पड़ा है, उसे कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, उसे प्यार का बुखार है। ही हैज द फीवर ऑफ लव, हैज आएगा ही शी इट और नाम के साथ हैज आएगा और बाकी आई वी यू दे और प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग होगा। उसे प्यार का बुखार है, ही हैज द फीवर ऑफ लव, तुम्हें प्यार का बुखार है, यू हैव द फीवर ऑफ लव, यू के साथ हैव आएगा। उस लड़की को प्यार का बुखार है, शी हैज द फीवर ऑफ लव, उसे प्यार का बुखार चढ़ रहा है, प्यार का बुखार चढ़ रहा है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। ही इज गेटिंग द फीवर ऑफ लव, ऐसे अंग्रेजी बनेगी, ही इज गेटिंग द फीवर ऑफ लव। एवरीबडी गेट्स द फीवर ऑफ लव, प्यार का बुखार तो सभी को चढ़ता है। मुझे प्यार का बुखार चढ़ गया है, आई हैव गॉट द फीवर ऑफ लव, इस तरीके से अंग्रेजी बनेगी। तुम्हें प्यार का बुखार चढ़ गया है, यू हैव गॉट द फीवर ऑफ लव, हमें प्यार का बुखार चढ़ गया है, वी हैव गॉट द फीवर ऑफ लव, उनको प्यार का बुखार चढ़ गया है, दे हैव गॉट द फीवर ऑफ लव, उस आदमी को लड़के को प्यार का बुखार चढ़ गया है। ही हैज, इनके साथ सबके साथ हैज आएगा, मैंने लिख भी दिया है। ही हैज गॉट द फीवर ऑफ लव, शी हैज गॉट द फीवर ऑफ लव, स्त्री है तो उसके लिए कहेंगे शी। माई फ्रेंड हैज गॉट द फीवर ऑफ लव, मेरे दोस्त को कुजला हुआ है, कोई बीमारी नहीं है, प्यार का बुखार चढ़ गया है। माई फ्रेंड हैज गॉट द फीवर ऑफ लव। कैसी लगी है मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।